श्री राम समर्थ फरवरी 3 नामस्मरण से अपने अवगुण समझ में आएंगे। संसार में परमार्थ पाने के लिए चाहे जितने साधन होंगे लेकिन उन सभी साधनों में पहला कदम अपने अवगुणों को पहचानना है। जैसे जैसे हमारा साधन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें अपने भीतर के अवगुण दिखाई देने लगते हैं। आगे चलकर उन अवगुणों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि हमें लगता है हे भगवान, जब मैं इतने अवगुणों से भरा हुआ हूँ तो मुझे तुम्हारे दर्शन हो यह इच्छा भी मैं कैसे करूँ। इतने पहाड़ जैसी अवगुणों की राशि में से मुझे तुम्हारे दर्शन हो क्या यह त्रिकाल में भी संभव है। साधन शुरू करने के पहले क्रोधी मनुष्य कभी अपने क्रोध के लिए लज्जित नहीं होता था, बल्कि वह तो यह भी नहीं जानता था कि क्रोध करना अवगुण है। वह तो कहता था कि व्यवहार में रोब जमाने के लिए इतना क्रोध तो आवश्यक है, इसके बिना कैसे चलेगा। एक साधक ने मुझसे कहा, इन दिनों मुझे गुस्सा आने लगा है, लेकिन सच बात तो यह थी गुस्सा अब नहीं आने लगा था। गुस्सा तो उसे पहले ही से आता था, लेकिन साधन प्रारंभ करने के बाद उसे उसका भान होने लगा था। या यूं कहिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बुरा होता है, यह उसकी समझ में आने लगा था। शादी की उम्र का एक लड़का था, उसने कई लड़कियां देखी लेकिन एक भी लड़की पसंद नहीं आई। उसके माँ बाप ने उससे कहा, तुम्हें जब लड़की पसंद आएगी तब हम आगे की बातें करेंगे। वे लड़की देखने के लिए उसके साथ नहीं जाते थे। उस लड़के की एक बड़ी बहन थी, वह लड़की देखने के लिए जाते वक्त भाई के साथ जाती थी। एक बार लड़की देखकर आने के बाद बहन ने उससे पूछा, कैसी थी लड़की। इस पर वह बोला, पसंद नहीं आई। बहन बड़ी चतुर थी, उसने उसके मुंह के सामने आईना धर दिया और पूछा, तुम्हारे इस प्रतिबिंब के जोड़ में लड़की कैसे लगेगी। तब कहीं उसे अपना और लड़की का रूप ध्यान में आया। तब वह बोला, लड़की सुंदर है, बहुत अच्छी है। मतलब यह कि जब तक हमें अपने खुद के सच्चे दर्शन नहीं होते तब तक हमें दूसरों के अवगुण ही दिखाई देते हैं। हमें दूसरों में जो अवगुण दिखाई देते हैं उनके बीच हम ही में होते हैं। यह बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए और इसलिए हमें पहले दूसरों के अवगुण देखने की वृत्ति छोड़नी चाहिए। दूसरों के अवगुण देखना हमेशा का व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। जो सच्चा परमार्थी होता है वह आत्म परीक्षा करता रहता है। उसे दूसरों के अवगुण दिखाई नहीं देते क्योंकि उसे अपने अवगुणों के ही इतने दर्शन होते रहते हैं कि उसकी तुलना में सब लोग उसे परमेश्वर के समान ही लगते हैं और ऐसा लगना ही सच्चा परमार्थ है। आज का मुख्य विचार, आत्म परीक्षा करके अपने भीतर के अवगुणों के बीजों को जड़ से उखाड़ना एक बड़ा साधन है और यह साधने के लिए नामस्मरण के सिवाय और दूसरा कोई साधन नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।